Hello students, today we will discuss about fundamental topic reduction of physical hazards. Physical hazards kya hota hai? A physical hazards is a agent, factor or circumstances that cause harm. कोई भी किसी तरह का एजेंट फैक्टर या सर्कमस्टांस जो फिजिकल हेल्थ को हैजार्ड पहुंचाए, जिसमें फर्स्ट देखते हैं फ्री फ्रॉम केमिकल इंजरी. ठीक है, जो फिजिकल हैजार्ड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट मैकेनिकल इंजरी को इसे कैसे प्रिवेंट करें, कैसे मैकेनिकल इंजरी को हम पेशेंट को बचा सकते हैं मैकेनिकल इंजरी से, वो देखते हैं. मैकेनिकल इंजरी मे बी कॉज्ड बाय फॉल एंड ब्लो या एक्सीडेंट. मैकेनिकल इंजरी किस तरह से होती है, अगर या फिर या तो फॉल हो, गिर जाए पेशेंट, या फिर ब्लो लगे, या फिर एक्सीडेंट हो. ठीक है, इसके कॉज क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्डर क्लाइंट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट लाइक. तो कॉज क्या हो सकते हैं ओल्डर पेशेंट में, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे कि उसके न्यूरो स्केलेटन जो चेंज, मस्कुलो स्केलेटन जो उसके चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, या फिर नर्वस सिस्टम चेंज की वजह से, या सेंसरी चेंज की वजह से, या जेनाइटो यूरिनरी चेंजेस की वजह से. मतलब ओल्डर एज में तो पेशेंट कैसा हो जाता है, जैसे मस्कुलोस्केलेटन चेंजेस में देखें तो वो एकदम ऐसे लड़खड़ा के चलेगा ना, उसका जो शारीरिक जो एक बैलेंस होता है वो नहीं बन पाएगा. और नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंज हो सकता है, नर्वस सिस्टम में जैसे कि पेशेंट जो होता है वो अनअवेयर हो गया सराउंडिंग से, उसको कुछ पता नहीं होगा, या फिर उसको भूलने की आदत भी हो सकती है. तो ये सब चेंजेस जो ओल्ड एज में आते हैं. और उसके बाद सेंसरी चेंजेस भी आ सकते हैं, उसको किसी भी तरह की कोई सेंसरी परसेप्शन नहीं होगा. जेनाइटो यूरिनरी चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि इनकॉन्टिनेंस यूरिन होना, या बार बार डिफिकेशन जाना, तो उस वजह से वो बार बार उठेगा, बार बार जाएगा, तो उसकी वजह से उसको हार्म हो सकता है, या फिर वो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में. ठीक है, देन उसके बाद में हाई रिस्क इन स्मॉल चिल्ड्रन या अनकॉन्शियस पेशेंट. उसके साथ साथ में मैकेनिकल इंजरी स्मॉल चिल्ड्रंस में भी हो सकती है और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हो सकती है. स्मॉल चिल्ड्रंस में कैसे होती है कि स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को नहीं पता चलता है, वो बेड से गिर सकते हैं ना, कहीं से भी वो गिर सकते हैं, उनको पता नहीं चलता है. और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ऐसा ही होता है. और अनकॉन्शियस पेशेंट और चिल्ड्रंस ये सब जो ग्रुप होते हैं, इन ये खुद की सेफ्टी नहीं कर पाते. फिजिकल इनएक्टिव पेशेंट, या फिर कोई पेशेंट ऐसे हो जो फिजिकल इनएक्टिव हो, हैंडीकैप्ड पेशेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जिसको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता हो, या फिर मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जो पेशेंट. अब फॉल होने से, पेशेंट को गिराने से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करेंगे. असेस द क्लाइंट रिस्क फॉर फॉलिंग. जो क्लाइंट रिस्क फॉर फॉलिंग है, उसके लिए पेशेंट को असेस करेंगे कि क्या क्या रिस्क है पेशेंट में जिसकी वजह से वो फॉल हो सकता है. असाइन द क्लाइंट एट रिस्क फॉर फॉलिंग टू ए रूम नियर द नर्सेस स्टेशन. अगर ऐसा पेशेंट हमको, अगर ऐसा पेशेंट कोई लग रहा है कि ये गिर सकता है, तो उसको नर्सेस स्टेशन के पास वाला रूम या पास वाला बेड देते हैं पेशेंट में. ठीक है, और
ओरिएंट द पेशेंट टू फिजिकल सराउंडिंग्स, मतलब फिजिकल जो सराउंडिंग्स है, फिजिकल उसके आसपास के जो भी सराउंडिंग्स है उसके लिए पेशेंट को ओरिएंट करवाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इधर जाओगे तो बाथरूम है, इधर जाओगे तो ये है, तो वो उसके वजह से क्या उसको पता रहेगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर असिस्टेंस व्हेन गेटिंग अप, पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जब भी वो उठेगा, ठीक है, उसके तो असिस्टेंट साथ में होगा उसके। देन एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉल बेल सिस्टम, पेशेंट को किसी भी तरह की कोई नीड हो, उसको असिस्टेंट चाहिए तो कॉल बेल करेगा वो। यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस सच एज बेड अलार्म, सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करना उसको बताएंगे, जैसे बेड अलार्म्स का। कीप द बेड इन लो पोजीशन, बेड को लो पोजीशन में रखेंगे विद साइड रेल्स, साइड रेल्स लगी हुई होनी चाहिए बेड पे और बेड लो पोजीशन पे होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा बेड नहीं होना चाहिए। और जो बेड और व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के जो व्हील्स होते हैं वो लॉक होने चाहिए। और जो क्लाइंट्स के जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जो उसको चाहिए वो उसके पास में ही रखे होने चाहिए। प्रोवाइड एडुकेट लाइटिंग, एडुकेट लाइटिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड रिड्यूस बाथरूम हैजार्ड्स, जो बाथरूम से हैजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि वो बाथरूम में स्लिप हो सकता है, ठीक है, बाथरूम गीला हो तो उसमें वो स्लिप हो सकता है, तो उसके लिए भी उसको प्रिवेंट करना है, या तो उसके साथ असिस्टेंट भेजेंगे, ठीक है। और जो बाथरूम में भी जो पेशेंट के फाल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बाथरूम में, ठीक है, तो उनके लिए भी उसको बचाना है। पीरियोडिकली चेकअप ऑल इक्विपमेंट कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, सभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको उनका पीरियोडिकली चेकअप होना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं है, उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए या उनसे कोई पेशेंट को नुकसान ना पहुँचे। फ्रीडम फ्रॉम थर्मल इंजरी, अब थर्मल इंजरी से कैसे प्रिवेंट करेंगे, थर्मल इंजरी कॉज बाय फायर एंड बर्न्स, फायर और बर्न्स की वजह से थर्मल इंजरी होती है। ट्रिपल हैजार्ड ऑफ बर्न के तीन तरह के हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी फायर के तीन तरह के हैजार्ड्स होते हैं, बर्न, ट्रोमा और एस्फिक्सिया, ठीक है, घुटन महसूस होने लगती है ना बर्न की वजह से। कॉजेज, इसके कॉजेज क्या क्या हैं बर्न के, बर्न में कॉज बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ हीट की वजह से बर्न हो सकता है। सम पॉसिबल कॉजेज ऑफ फायर इन हॉस्पिटल आर स्मोकिंग इन बेड, कोई पेशेंट होते हैं जो बेड पे भी स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आग लगने का खतरा होता है। डिफेक्टिव वायरिंग की वजह से भी आग लग सकती है। एक्सप्लोशन ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सप्लोशन की वजह से भी फायर हो सकता है। यूजेस ऑफ हीटर्स और हॉट प्लेट्स, ठीक है, उसके बाद में इसके लिए क्या क्या मेजर्स करेंगे। रेस्क्यू द क्लाइंट, रेस्क्यू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को बचाएंगे, जहाँ पे आग लगी है वहाँ से उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको बचा के बाहर निकालेंगे। एक्टिवेट फायर अलार्म, जो फायर अलार्म है उसको एक्टिवेट करेंगे जिससे कि हमारे पास और भी हेल्प आ सके। कन्फाइन द फायर, जो फायर जो आग लगी है उसको कन्फाइन करेंगे, उसको सीमित करेंगे कि उसको मतलब कि ज़्यादा भड़के नहीं आग, ज़्यादा आगे नहीं फैले, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर एक जगह पर आग लगी है तो उसके आसपास जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, कुछ भी चीज़ रखी है तो उसको वहाँ से हटा देंगे। देन एक्सटिंग्विश द फायर, उसके बाद में फायर पे एक्सटिंग्विशन का यूज़ करेंगे उसको बुझाने के लिए, ठीक है। पुल द पिन, फिर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसकी
जो एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करेंगे अब उसका मेथड है ये, ठीक है। उस तो उसकी पिन को रिमूव करेंगे पहले, ठीक है। फिर एम द बेस ऑफ फायर, जो जहाँ पे आग लगी हुई है जो बेस है आग का उस पे एक्सटिंग्विशर का एम करेंगे, और देन एक्सक्यूज द एक्सटिंग्विशर हैंडल, देन एक्सटिंग्विशर के हैंडल को दबाएंगे, ठीक है, एक्सक्यूज करेंगे, स्वाइप एक्सटिंग्विशर हार्म साइड टू साइड, मतलब, और उसके बाद में जो एक्सटिंग्विशर है उसको साइड टू साइड स्वाइप करके आग के ऊपर देन आग को बुझाएंगे। तो इसका निमोनिक क्या बोलते हैं, रेस एंड पास, ठीक है। रेस रेस का मतलब रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड एक्सटिंग्विश द फायर। फायर पास का मतलब होता है पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वेज द एक्सटिंग्विशर हैंडल एंड स्वाइप एक्सटिंग्विशर फ्रॉम साइड टू साइड। उसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं, कीप ओपन स्पेस, जो जो पेशेंट है या फिर वहाँ पे जो भी है उसको खुले जगह पर लेके जाएंगे। नो द लोकेशन ऑफ ऑल फायर अलार्म, तो ये स्टाफ के लिए होना जरूरी है कि उसको जो जो फायर अलार्म की जो लोकेशन है उसको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। जो फायर जो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, उनका पता होना चाहिए। नो द टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नो द फायर ड्रिल एंड इवैक्यूएशन प्लान, कहाँ से पेशेंट को बाहर सुरक्षित निकाला जा सकता है उसका भी पता होना चाहिए। नेवर यूज़ द एलिवेटर, एलिवेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए फायर के टाइम पे। टर्न ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, टर्न ऑफ ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और सेफ इवैक्यूएशन ऑफ द क्लाइंट हो, जो क्लाइंट का जो सेफ इवैक्यूएशन कैसे करना है कि जो क्लाइंट लाइफ सपोर्ट पे है, मतलब जो अगर वेंटिलेटर पे है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, उसको या तो अम्बू बैग के थ्रू उसको एयर रेस्पिरेशन प्रोवाइड करके उसको इवैक्यूएट करेंगे, या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट जो चलने वाले पेशेंट हैं उनको अपने साथ लेके जाएंगे, बेड रिडन पेशेंट को या फिर बेड पे या व्हीलचेयर पे उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में है एक सेकेंड, फ्री फ्रॉम केमिकल इंजरी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो केमिकल इंजरीज होती हैं उनसे कैसे बचाया जाए पेशेंट को। केमिकल इंजरी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग केमिकल्स एंड पॉइजनस केमिकल। केमिकल इंजरी में जो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स या पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इनसे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट होगा, केमिकल इंजरी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द केमिकल इन सेपरेट कपबोर्ड। जो केमिकल जो जो केमिकल सब्सटेंस है उनको सेपरेट कपबोर्ड में या अंडर लॉक या लॉक के अंदर उनको रखना चाहिए, ठीक है, और उन और केयरफुली उन केमिकल्स का यूज करना चाहिए। अब देखते हैं अगला कौन सा, फ्रीडम फ्रॉम रेडिएशन। रेडिएशन से कैसे बचाया जा सकता है, रेडिएशन इंजरी अकर्स फ्रॉम ओवर एक्सपोजर ऑफ रेज ऑफ एक्स रेज, रेडियम, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट रेज। मतलब जो रेडिएशन इंजरी है वो किस किस वजह से हो सकती है, जो एक्सरे रेज होती है, जो एक्सरे रेज होती है रेडियम होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट रेज के ओवर एक्सपोजर की वजह से रेडिएशन इंजरी होती है। तो उससे कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे बचाव हो, नो द प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी। जो भी हेल्थ केयर एजेंसी है, जो भी हॉस्पिटल है, उसकी उसकी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि और लेबल पोटेंशियली रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उन पर अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए, ताकि उनको देखते ही पता चल जाए कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। टू रिड्यूस एक्सपोजर और टू रेडिएशन, रेडिएशन के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, लिमिट द टाइम स्पेंड। जो एक्सपोजर के मतलब जो जिस समय रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है उसकी जो टाइम लिमिट है वो उसको कम करना चाहिए,
मेक डिस्टेंस, ठीक है, जो रेडिएशन के जो सोर्स है उनसे डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। यूज ऑफ शील्डिंग डिवाइसेस, शील्डिंग डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, ठीक है। प्लेस द क्लाइंट हु हैज ए रेडिएशन इम्प्लांट इन ए प्राइवेट रूम, किसी पेशेंट में अगर रेडिएशन इम्प्लांट हो रखा है तो उसको प्राइवेट रूम में रखना चाहिए। दिस इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड बाई हैविंग ट्रेंड ऑपरेटर, जो ट्रेंड ऑपरेटर्स होते हैं तो उनका ही इस फील्ड में रखना चाहिए ताकि इंजरीज से प्रिवेंशन हो सके। देन नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी। बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हैंडल ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल सच एज हैजार्ड्स, मतलब जो हैंडल ऑल इन्फेक्शन मटेरियल एज ए हैजार्ड्स, मीन्स जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है उनको हैजार्ड्स के तौर पे हमको देखना चाहिए कि भाई ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जो वेस्ट होता है उनको डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन डिजाइनेटेड एरिया ओनली, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए एक अलग ही एरिया होता है, वहीं पे ही उनका डिस्पोजल करना चाहिए। यूजिंग प्रॉपर कंटेनर, प्रॉपर कंटेनर उनका यूज करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए। लेबल प्रॉपरली, ठीक है, जो डिस्पोज करने का जो मटेरियल है, ठीक है, या फिर वो कंटेनर है उनके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। डिस्पोज ऑल वेस्ट बाय यूज ऑफ प्रॉपर कंटेनर्स, लीक प्रूफ लेबल एंड कलर कोड। जो भी वेस्ट का डिस्पोजल हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो प्रॉपर कंटेनर का यूज कर रहे हैं वो लीक प्रूफ होना चाहिए, उस पर लेबलिंग होनी चाहिए और कलर कोड के हिसाब से होना चाहिए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है, हमको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, या फिर पेशेंट के किसी भी बॉडी फ्लूड्स को टच करने के बाद में, ठीक है, या फिर किसी पेशेंट में कोई एसेप्टिक कोई टेक्निक कोई एसेप्टिक प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमको अच्छे से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। क्लीन एंड स्टेराइल ऑल क्लाइंट आर इक्विपाइड प्रॉपरली, इक्विपमेंट प्रॉपरली, जो क्लाइंट के जो भी इक्विपमेंट्स हैं आसपास के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन और स्टेराइल करना चाहिए। एंड उसकी क्लाइंट की केयर करने से पहले जो जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं उनको प्रॉपर स्टेराइल करना चाहिए। डिस्कार्ड सिंगल यूज आइटम, जो सिंगल यूज आइटम है जो हमने एक बार यूज़ कर लिए पेशेंट पे उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम, अब देखते हैं नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम एलर्जन्स, कि एलर्जन्स जो होते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। इंजरी फ्रॉम द एलर्जन मे रिजल्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट और हार्म मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मैट्रेसेस फूड कॉस्मेटिक्स लोशन पाउडर्स मेडिसिन्स, मीन्स दो एलर्जन होते हैं वो इंजरी कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? वो इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकती है एलर्जी, ठीक है, किसी मटेरियल की वजह से हो सकती है जैसे कि मैट्रेसेस होते हैं, ठीक है, फूड किसी भी खाने की वजह से, कॉस्मेटिक्स की वजह से, लोशन पाउडर या मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी मे बी यूजेस ऑफ कवर फॉर मैट्रेसेस एंड पिल्लो, जो मैट्रेस अगर पिल्लो इनकी वजह से अगर एलर्जी हो रही है तो उन पे प्रॉपर कवर रखेंगे उनको, ठीक है, और उनको बार बार धोने के लिए देंगे, ठीक है, और उनको टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। प्रॉपर डस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग फॉर एलर्जीज, ठीक है, एलर्जीज के लिए जो टेस्ट करवाने चाहिए पेशेंट के,